हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 5 साइंस का, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं बेसिक डेली लाइफ में अपने। कुछ उसमें से ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचर में फाउंड होते हैं, कुछ हैं जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया है। सो दीज मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। इन मटेरियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, दैट इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हम उन्हें कहते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, जैसे सनलाइट, एयर एक्सेट्रा। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, मीन्स हमारे नेचर में इन रिसोर्सेज का अमाउंट लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्सेस यूज कर अगर हम इन्हें एक्सेस यूज करते हैं तो ये खत्म भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ओके, सो फर्स्ट इज कोल। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल को हम यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने में अपना। अर्लियर टाइम्स में हम यूज करते थे। अर्लियर इट वॉज ऑल्सो यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। रेलवे में भी इसे, रेलवे इंजन में भी यूज किया जाता था इसे। इट वॉज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल को थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोल को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। नाउ स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, फ्लड मतलब बाढ़, इन नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये फॉरेस्ट सॉयल में दबते चले गए। एज मोर सॉयल डिपॉजिटेड ओवर दम, जैसे जैसे इनके ऊपर सॉयल डिपॉजिट होती गई, देवर कंप्रेस्ड, ये और नीचे दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे नीचे दबते जा रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से डेड प्लांट्स जो थे वो कन्वर्ट हो जा रहे थे कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन टू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल। स्लो प्रोसेस है डेड प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इस कोल वेजिटेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड थे इनसे बनते हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे कोल माइन दिखाई गई है डायग्राम में। ओके, कोल इज व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कोल को जब हम हीट करते हैं तो ये बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कोल इज प्रोसेस इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल। कोल को इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है, प्रोसेस किया जाता है, उनसे यूजफुल चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस एक्सेट्रा। फर्स्ट इज कोक। वॉट इज कोक? इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ पोरस, पोरस मीन्स जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है। इसको यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्रीज में, स्टील बनाने में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। सेकेंड इज कोल टार। ये ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये 200 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैनुफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस दैट इज यूज इन आवर एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। कोल टार से जो भी मटेरियल्स मतलब एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको वेरियस चीज़ें बनाने में यूज किया जाता है जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स एक्सेट्रा। लास्ट
कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस हमें तब मिलती है जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ओके. दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रॉड्स. कोल तार की जगह बिटुमिन एक प्रोडक्ट है जिसको अब ज़्यादा यूज किया जाता है. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810. कोल गैस को स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए फर्स्ट टाइम लंदन में यूज़ किया गया था इन 1810 में एंड उसके बाद न्यूयॉर्क में इन 1820 में. नाउ ये अब ये बहुत बड़ा सोर्स है ओके हीट का एज कम्पेयर टू लाइट. कोल गैस इज यूज एज फ्यूल. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पेट्रोलियम. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. जो पेट्रोल एंड डीजल हमारे व्हीकल्स में यूज होता है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिजम से बनता है जो सी में रहते हैं. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डेड जैसे ये मर जाते हैं इनके बॉडीज सी के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है ओके. और इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारी सैंड और क्ले की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. बहुत साल तक एज डेड बॉडी के ऊपर सैंड और क्ले की लेयर डिपॉजिट हो गई है तो वहाँ एयर की प्रेजेंस नहीं होती है. सो इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला यूएसए इन 1859. 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकूम इन आसाम इन इंडिया. ऑयल इज फाउंड इन आसाम गुजरात. वर्ल्ड विश्व का फर्स्ट ऑयल जो पाया गया था वो यूएसए में 1859 पेनिनसुला में पाया गया था. 8 साल बाद फिर 1867 में वो आसाम में पाया गया था. इंडिया में ऑयल आसाम गुजरात मुंबई यहाँ सब पे मिलता है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड ओके. इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट्स सच एज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी जैसे पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल लुब्रिकेंट ऑयल पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जो ये बहुत सारा सब्सटेंस मिक्स है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट्स. फ्रैक्शनम ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट है जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है उन सब चीज़ों को सेपरेट करना इस प्रोसेस को हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं ओके. देखो प्रोसेस नोन एज रिफाइनिंग और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है. नेचुरल गैस. यहाँ डायग्राम में पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है. इसी रिफाइनरी में रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की. नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इसको ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप से. इसको स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस दैट इज CNG. CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन. इसको हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं. इट इज़ नॉट बींग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. अब CNG को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है इन व्हीकल्स में बिकॉज इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स ओके. CNG को इजिली पाइप से सप्लाई किया जा सकता है इसलिए होम्स एंड फैक्ट्रीज में इसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है पेट्रोलियम के में क्या क्या कॉन्स्टेंट होते हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड फॉर्म में दैट इज़ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस. उसको हम यूज़ करते हैं होम्स और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल. और जो पेट्रोलियम में कॉन्स्टेंट होते हैं लाइक पेट्रोल इट इज़ यूज इन मोटर फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग एविएशन फ्यूल. नेक्स्ट इज कैरोसिन जो कि स्टोव और लैम्प में यूज़ किया जाता है. डीजल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स. लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन. पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स कैंडल्स एंड वैसलीन. बिटुमिन जो कि पेंट और रोड सर्फेसिंग के लिए. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनुफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनको मैनुफैक्चर उनको बनाने में. हमारी कंट्री में नेचुरल गैस ज़्यादातर त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं. सम लिमिटेड नेचुरल गैस इन इंडिया.
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज पीसीआरए एडवाइसेस पीपल. उन्होंने पीसीआरए ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं. क्या एडवाइस दी उन्होंने कि पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करना चाहिए. द टिप्स आर ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. हमें एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन. जब भी ट्रैफिक लाइट्स पे हम रुके हैं या कहीं हमें वेट करना है तो हमें इंजन को ऑफ कर देना चाहिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायर प्रेशर हमें चेक कर लेना चाहिए करेक्ट होना हो है कि नहीं है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल. व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए. ओके, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी और हमारे कुछ टिप्स हैं जो पीसीआरए ने हमें दी है कैसे हम पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं. तो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.